साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? ये ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट इसका उपयोग किया जा रहा है। किसको? कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज किया जा रहा है किसी इललेजिटिमेट तरीके से, ताकि किसी को हार्म किया जाए। आप क्या होता है, किसी की जेब से अगर पर्स निकाल लें, या कोई आए और उसको आप कुछ बुला बुरा भला कह दें, या फिर डंडा उठा के पीटने लगे, तो आप क्राइम कर रहे हैं। यही चीज अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके करते रहे तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्रिमिनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि आपकी आपके सिक्योरिटी में सेंध लगा सके, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई स्ट्रेट सीक्रेट हो, जो भी आप चीज है उसको वो पकड़ सके, खींच सके, आपको नुकसान पहुंचा सके, या फिर इंटरनेट को यूज करें ताकि कुछ, देखिए एक ऐसा वायरस आया जिसने सबको सब चीजों को डाउन कर दिया। ऐसे बहुत सारे वायरसेस का नाम है, ऐसे बहुत सारे वॉर्म्स का नाम है, ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं। जैसे अब जो ब्लू वेल आया उसको भी क्राइम का नाम दिया गया, क्योंकि वो कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज करके लोगों को मार रहा था। तो ये आपके मलिशियस पर्पसेस होते हैं इनके। तो साइबर क्राइम्स ये लोगों के लिए हो सकता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकता है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है। मान लीजिए किसी एक्स गवर्नमेंट है, वाई गवर्नमेंट है, और इसने इनकी वेबसाइट हैक कर दी और कुछ गलत लिख दिया, तो ये भी तो साइबर क्राइम ही हुआ ना। तो साइबर क्राइम में क्या क्या आता है? कोई आपको एक महिला तंग कर रही है, या किसी को कोई कोई महिला को कोई लड़का या आदमी वो तंग कर रहा है, तो साइबर स्टॉकिंग है, डिफेमेशन है। आपका आपका फेस जो है, आपका फेस लगा के किसी गंदी तस्वीर में उसने डाल दिया, हर जगह फ्लोट कर दिया, तो आप तो बदनाम हो गए ना। आप किस किस को बताते रहोगे, क्योंकि ये तो इंटरनेट पे आ गया, सबने देख लिया। ये जो चीज है हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी साइबर क्राइम में आता है। कई देशों में ये लीगल है, लेकिन क्योंकि हम अपने देश की बात कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी इलीगल है, यानी कि आप समझ गए होंगे ये क्या चीज है। इलीगल डाउनलोड्स या प्लेजरिज्म। इलीगल डाउनलोड्स मतलब अगर आपको कोई मूवी आई, कोई मूवी आई, एक इन्होंने जिन्होंने इतने पैसे लगाए हैं, लोग इस पे उसके पीछे लगे हुए हैं, 200-500 लोग काम कर रहे हैं, और आपने क्या किया, किसी इलीगल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लिया उसको, या क्या टॉरेंट वॉरेंट यूज कर लिया, ऐसी प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म का मतलब किसी और की चीज अपने नाम से बना के बेचना शुरू कर दिया, बना बताना शुरू कर दिया। ऐसी सॉफ्टवेयर पायरेसी या काउंटरफिटिंग है, किसी ने बेचारे सॉफ्टवेयर बनाया, आपने क्या किया उसको बगैर पैसे दिए किसी तरीके से पायरेसी का यूज करके यूज करने लगे। जो कॉपीराइट वायलेशन कर दिया किसी सॉफ्टवेयर की, कॉपीराइट आपने कहा मैं नहीं कॉपीराइट को मानता, जो हार्डवेयर है वो काउंटरफिट हार्डवेयर यूज करने लगे। इसी तरीके से जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उसको ब्लैक मार्केटिंग से बेचने लगे। जो इक्विपमेंट है या कोई नई टेक्नोलॉजी उसकी चोरी करने लगे आप, या फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है। आपसे फोन पर पूछते हैं कि बताइए अपना, मैं हम यहाँ इस कंपनी से बोल रहे हैं, और बताइए अपना ये नंबर बताइए, तो आप बता देंगे, और उसके बाद वो एटीएम से सारे पैसे निकाल लेंगे, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर देंगे। ऐसी स्टॉक मार्केट का जो ट्रांसफर है, या टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड है, या जो ई मनी है उसका थेफ्ट है, ये सारे साइबर क्राइम में आते हैं।